क्या कुछ तैयारी हो रही है हम लोगों की ट्रेनिंग के लिए सर? तैयारी तो है नहीं है, पर ये है कि तुम्हारी आमद जल्दी हो जाएगी। आमद मतलब ज्वाइनिंग, अच्छा सर, ज्वाइनिंग हो जाए ना एक बार, तो जिस दिन से ज्वाइनिंग होगी उस दिन से तुम्हारी जेटीसी चालू हो जाएगी और सैलरी बनने अच्छा लगेगी। अच्छा ट्रेनिंग तो ये है, आरटीसी आपकी भी कभी भी करा सकते हैं, जैसे ही उन्हें अच्छा लगेगा बोर्ड को, हेडक्वार्टर को, अच्छा हाँ तो वैसे ही करा लेंगे आपसे। 1 साल में करा लें, 6 महीने में करा लें, या जब भी उनका मन करे तब करा लेंगे। अच्छा मतलब तुरंत नहीं कि मतलब ज्वाइनिंग के जस्ट बाद ही ट्रेनिंग है इसमें ऐसा ऐसा? नहीं है कि तुरंत ही तुरंत तुम्हें ट्रेनिंग पे भेज देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें तुम्हें ज्वाइनिंग करा लेंगे तो मैं बेसिक चीजें सिखा देंगे, ड्यूटी अच्छा वगैरह। अच्छा हाँ जो सर, जेटीसी ड्रिल में, हाँ जेटीसी में सर ड्रिल वगैरह करवाई जाती है, फायर ड्रिल हाँ वगैरह? हाँ थोड़ा बहुत तो मैं सिखाया जाता है, मेन तो आरटीसी में सिखाया जाता है, जेटीसी में थोड़ा थोड़ा सिखा देते हैं, साफ सफाई करनी, मतलब वो ये जेटीसी में बेसिक एक तरीके से, हाँ अच्छा मोटा मोटा बता देते हैं, ड्यूटी करना है जैसा भी है। हाँ अच्छा सर, तो इसमें सर सैलरी वगैरह कितनी आती है सर? सैलरी वो ये जितनी कांस्टेबल की होती है, हाँ अच्छा, सिविल के कांस्टेबल की होती है ना, सेम वही है। इसमें पूरी केवल पूरी एक है। अच्छा साइकिल भत्ता नहीं मिलता, सर, अच्छा बाकी सब सेम ही है। सर, मेरे एक रिलेटिव हैं लखनऊ में, पोस्टेड हैं, तो उनसे बातें हो रही थी। एक्चुअली वो थोड़ा सा सीनियर हैं, तो इस वजह से हम उनसे ज्यादा कुछ पूछ ना पाए, इस वजह से। हाँ तो बाकी जो बची है आप स्टडी के लिए, बहुत अच्छा टाइम मिलेगा समय आपको। अच्छा सर, हाँ टाइम ही टाइम रहेगा, मतलब हाँ आगे। सर, एक्चुअली मेरा बीएड कंप्लीट हो रहा है इस ईयर, तो अच्छा मैं सोच रहा हूँ टीचर के लिए अप्लाई करूंगा आगे। हाँ टीचर के लिए बहुत अच्छी जॉब, मतलब सही है, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा समय मिल जाएगा, अपना रूम मिल जाएगा। अच्छा हाँ रूम ले लो या बैरक में पढ़ लो, कोई समस्या नहीं है किसी प्रकार अच्छा सर, मतलब ऑप्शन है कि अगर आप सेपरेट रूम लेना चाहते तो रूम भी मिल के। जाएगा? हाँ अगर जहां पे फायर स्टेशन बना हुआ है ना तो वहां पे आराम से मिल जाएगा। अच्छा, अगर जहां पे नहीं होगा वहां पे बैरक होगी, बैरक में फिर आप अधिकारी से अप्लाई के लिए बोलोगे बाहर रूम ले लूंगा, जैसे भी है अच्छा अपने सहूलियत के अनुसार आपको रूम अलाउट कराएंगे, जैसे भी है, अच्छा नहीं भी देंगे और देंगे वो उनके हाथ का होता अच्छा ओके सर, ठीक है। सर। तो सर इसमें जॉब कितने घंटे की होती है? इसमें 3 दिन ड्यूटी चलती है, जब तुम ट्रेनिंग कर लोगे ना, अच्छा सर, ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद तुम्हारी 3 दिन के लिए 4 4 घंटे की ड्यूटी चलती सर है। मान लीजिए अगर जेटीसी जैसे कर दिया इसने 1 महीने, हाँ और उसके बाद में आरटीसी के लिए 1 साल बाद, तो क्या उसके बीच में हम जॉब वो ड्यूटी नहीं करेंगे सर? ड्यूटी करा देंगे, मैं तुम्हें पहले संतरी ड्यूटी लगाएंगे, मतलब अच्छा, तुम्हें दिखाएंगे कि कैसे कैसे ड्यूटी होती है सब चीज, मतलब उनके साथ ही ड्यूटी लगाएंगे जो सीनियर होते हैं ना। हाँ संतरी सामान की सुरक्षा की ड्यूटी लगेगी तुम्हारी संतरी। संतरी ड्यूटी लगाएंगे हाँ हाँ तो सर तो अगले 1 साल तक, जब तक मतलब ट्रेनिंग आरटीसी नहीं हो जाती तब नहीं तक नहीं वो उनके संतरी? ऊपर बात है कि 1 2 महीने में आप मेच्योर हो जाएगा, या ड्यूटी जैसे भी है आपको 2 3 महीने में मेच्योर कर देंगे। अच्छा, हाँ फिर उसके बाद आप ड्यूटी करने लगोगे 101 या वायरलेस पे। हाँ 101 या वायरलेस पे। तो मतलब इस पर सर आपको इसकी ड्यूटी क्या होती है? ड्यूटी इसकी ड्यूटी रहती है कि सूचना आती है, एक तो वायरलेस पे सूचना आती है, आपकी सूचना आती है या 101 पे सूचना, सूचना को नोट करना और गाड़ी को रवाना कराना, सायरन बजा के गाड़ी को रवाना करना, बस ये होता है। और क्लॉकवाइज ड्यूटी चलती है 3 दिन या 4 दिन, अगर जहां पे ज्यादा सिपाही होंगे वहां पे 3 3 घंटे की 2 शिफ्ट में ड्यूटी होंगी, और जहां पे कम सिपाही है वहां 4 4 घंटे की ड्यूटी होंगी एक दिन में, क्लॉकवाइज चलेगी 6 से 10, 6 से 10, फिर नेक्स्ट डे 10 से 2, 10 से 2, अच्छा सर, हाँ 10 से 2 करा के उसके बाद में सर मतलब, 2 से 6 पे नेक्स्ट डे, अच्छा नेक्स्ट डे छह मतलब के बाद, बदलती हाँ रहती है सर? छह के बाद आप रिजर्व में आ जाओगे आग बुझाने के लिए, आग लगी अच्छा आपको ही जाना पड़ेगा, जो रिजर्व में होता है वो आग बुझाने के लिए आता है, बाकी ड्यूटी करते हैं, अच्छा सर 3 लोग ड्यूटी लगातार रहते हैं। अच्छा अच्छा सर और सर मतलब तीसरे दिन रेस्ट, चौथे दिन सॉरी। चौथे दिन बैठेगा रेस्ट। अच्छा उसके उसके बाद फिर आप रिजर्व में हो जाओगे, आग लगेगी कहीं पे तो तुमको ही जाना पड़ेगा, नहीं तो आप रेस्ट नहीं है, रिजर्व में ही हो। अच्छा सर, तो सर मतलब घर लेकर, छुट्टी लेकर घर नहीं आ सकते सर? नहीं छुट्टी लेके आ सकते हो घर, घर तो कभी भी आ सकते हो छुट्टी सर लेके। मीन्स चौथे दिन सर, जैसे नहीं 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 3 दिन ड्यूटी किया अपना, नहीं वो तो परमिशन के थ्रू आ सकते हो, अगर अधिकारी परमिशन कर दे कि हाँ मुझे घर जाना है तो हाँ वहाँ वो परमिशन दे देगा, चले जाओ, अच्छा, तब ये वो नहीं अधिकारी के ऊपर होता है, वैसे नियम में है नहीं। अच्छा, नहीं तो रहना पड़ेगा मतलब फायर हाँ स्टेशन पे ही। हाँ अगर उनकी परमिशन है तो तुम जा सकते हो, नहीं तो।
जाएगा। अच्छा, हाँ बस यही है। सर इसमें एक चीज मैंने सुन रखी थी,